लखनऊ भ्रमण में एक स्थान मैं आपको और दिखा रहा हूँ जो प्रकृति की दृष्टि से काफ़ी अच्छा स्थान है। सामने ये देखिए भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में कई सेंट्रल गवर्नमेंट के भी संस्थान हैं, उसमें ये एक CSIR ये एक महत्वपूर्ण संस्थान है और यहाँ पर अशोक और पीपल के वृक्ष काफ़ी बड़ी स्थिति में लगे हैं, सामने आप देख रहे होंगे, और बड़े विशाल वृक्ष हैं। और देखिए इनमें अगर आप गौर से देख रहे हों, मैं और थोड़ा वो कर रहा हूँ कि इनके पत्तों में कितने धूल के कण एब्जॉर्ब हैं, यही इस पेड़ की विशेषता है, इस वृक्ष की यही विशेषता है। इसी कारण इसको देव संस्कृति और राक्षस संस्कृति दोनों ने महत्व दिया है। और देखिए इसके इससे इसका सुंदर चित्रण भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कटिंग के द्वारा सुंदर बनाए गए हैं यहीं संस्थान के सामने। ये देखिए कितनी अच्छी वेल इनको डिजाइन दी गई है और बहुत ही आकर्षण है पौधों में। और ये पूरा जो है जितनी सड़क की हवा, प्रदूषित हवा, और ये देखिए पानी कितना भरा हुआ है, ये भी एक प्रदूषण का अंग है और इससे बहुत सारे मच्छर और कीटाणु पैदा हो ही रहे हैं, तो सभी लोग जानते हैं। और लेकिन ये देखिए पौधे निःशुल्क रूप से मानव की सेवा कर रहे हैं, मानव की क्या, ये समस्त सृष्टि की सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ रूप से। देखिए ज़रा कितना अच्छा जो है वेल डेकोरेशन है इनका, वेल कटिंग है, वेल डिजाइन दी गई है। और इस तरह अशोक के पौधों को आप बड़े बड़े संस्थानों में लगे हुए हैं, लेकिन इन्हीं को और लगवाने की ज़रूरत है। और देखिए मैं नज़दीक से आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी धूल इन्होंने कवर कर रखी है। कोई दुनिया का ऐसा यांत्रिक व्यवस्था जो इतनी धूल, इतना प्रदूषण को एब्जॉर्ब कर सके? पेड़ों में भी अगर आप पेड़ों का भी सर्वेक्षण करें तो भी आप पाएंगे कि इतनी अद्भुत क्षमता अन्य किसी वृक्ष में नहीं। देखिए बरगद के नीचे, वट वृक्ष के नीचे अगर आपको कुछ करना है तो आप भागवत करिए, पूजा पाठ करिए, सब पौधों का अलग अलग विधान है। पीपल के नीचे आप ज्ञान प्राप्त करिए और पीपल वृक्ष की पूजा करिए, और समी वृक्ष से और बबूल से आप एग्रीकल्चर के सामान की लकड़ी प्राप्त करिए, मजबूत लकड़ी जिससे हल बनता है, समी वृक्ष इसीलिए तो पूजा जाता है। अब ये देखिए पाम वगैरह लगे हुए हैं, इनसे सुंदरता लीजिए, इनमें एब्जॉर्बेशन नहीं है, ये प्रदूषण के धूल के कणों को लंबी अवधि तक के लिए नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन अशोक के पौधों में इतनी आप ये देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें इतनी तरलता है कि ये प्रदूषण के छोटे छोटे कणों को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि देव और राक्षस संस्कृति दोनों ने इसको सम्मान दिया है। पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही संस्कृतियाँ हैं और दोनों संस्कृतियों ने अशोक के दिव्य वृक्ष को महत्व दिया, वो अगर आप पाएंगे तो सिर्फ एनवायरनमेंट के, क्योंकि ये पौधा जहाँ लगता है आध्यात्मिक महत्व तो इसका छोड़ दीजिए, सिर्फ आप इसका वैज्ञानिक और पर्यावरण की दृष्टि से इसके महत्व को देखिए। कि चलिए थोड़ा सा अध्यात्म की भी चर्चा कर लें तो इसके महत्व को और परिभाषित हो जाएगा। कि जब भगवान राम ने अयोध्या का त्याग किया और वन गमन के लिए गए तो सबसे पहला विश्राम अगर कहीं किया है तो वो अशोक वृक्ष के नीचे ही किया, एक काम। दूसरा काम कि जब रावण माँ सीता जी का हरण करके ले गया तो सबसे पहला अगर कहीं उसने ठिकाना दिया माता जी को तो अशोक वृक्ष के नीचे ही दिया, और फिर अशोक वाटिका में तो अशोक लगे ही थे, अशोक के वृक्ष, पावन वृक्ष लगे ही थे, वो तो पूरा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस और रामायण में इतना विस्तृत बखान किया है और महत्व को दर्शाया है कि आगे कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं। चलिए थोड़ा सा लखनऊ भ्रमण में, ये देखिए सामने आपको भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान के सामने ही एक भारत का हमारा एक अति प्राचीन दुर्लभ
स्थान भी है जिसको जर्नल वाली कोठी कहते हैं। ये संरक्षित स्मारक कर दिया गया है। पहले इसमें SSP लखनऊ महोदय जी का कार्यालय चला करता था, लेकिन अब ये पुरातत्व विभाग के अधीन आ गया है। और ये 1857 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ये महत्वपूर्ण इस इमारत का स्थान रहा है। और हमारे क्रांतिकारियों की योजनाएं यहीं से बनी और यहीं से स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने इस कोठी को बहुत क्षति पहुंचाई थी। देखिए, इसके अगल बगल भी अशोक और नीम के बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं। सामने ही ये पुरातत्व निदेशालय भी है, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग का ये कार्यालय भी है। और यहाँ भर भी हरा भरा काफ़ी है, लेकिन अशोक के वृक्ष को यहाँ भी महत्व दिया गया है। तो भाई, सभी देश के वासियों, जो है प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से की रक्षा और लड़ने के लिए अशोक के दिव्य पौधे को जगह जगह लगाइए। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ लगाइए, क्योंकि प्रदूषण, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए ये पौधा अचूक है। और मैं तो दिल्ली वासियों से कहूँगा कि इसको, इन बड़े बड़े पौधों को प्लांटेड करवाएं माननीय मुख्यमंत्री जी, दिल्ली और भारत सरकार मिलके प्लांटेड करके बड़े बड़े पौधों को दिल्ली में लगवाएं, क्योंकि एकदम से परिवर्तन नहीं हो सकता है। और एक काम और कर दें अगर तो बहुत ही अच्छा हो जाए। यद्यपि वो काम थोड़ा अलग है, लेकिन अंडा, मांस और फास्ट फूड, मछली, इनका जो हर चौराहे पे जो ठेले लग रहे हैं, वो ठेले जो है